हेलो फ्रेंड्स सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देख सकते हैं 2018 में कितने लोगों को जो है आपके गांव आपके शहर में कितना पैसा मिला है यहां पर मैं आपको पूरे लिस्ट नाम के साथ देख के बताने वाला हूँ किस तरह से आप पता लगा सकते हैं तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके गांव या फिर आपके शहर में कितने लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 या 17 में कितना पैसा मिला है उनके घर बने भी है या नहीं इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ अगर आप भी ये वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक का देखते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और यहाँ पर आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा इस पर भी क्लिक कर दें जिससे हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको क्या करना होगा तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको अपने मोबाइल में यूसी ब्राउजर को ओपन करना होगा तो दोस्तों यूसी ब्राउजर को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना होगा आई ए वाई डोट एन आई सी डोट इन जब इतना आप अपने यूसी ब्राउज़र पर लिख लेते हैं इसके बाद आपको इसको यहाँ पर सर्च कर देना है जैसे ही आप इसको यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग चलेगी और आप... जब यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग चलेगी इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू टू ब्राउज़ पर तो यहाँ पर हम इस पर जो है क्लिक कर लेते हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना की आपकी वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी दोस्तों याद रखिएगा ये वेबसाइट जो है अब क्रोम ब्राउजर में ओपन नहीं हो रही है तो इसीलिए आपको यूसी ब्राउजर का ही इस्तेमाल करना है तो जब यहाँ पर आपकी वेबसाइट जो है ओपन हो जाती है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन मिलेंगे जिसमें पहला आपको लिखा दिखाई दिखा देगा डाटा एंट्री दूसरा रिपोर्ट तीसरा एपटी ट्रैकिंग तो आपको यहाँ पर दूसरा वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिपोर्ट का आपको इस पर क्लिक करना है तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको सबसे पहले ए पर ए के आगे लिखा हुआ दिखाई देगा फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट तो आपको इसके नीचे एक दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिखेगा हाई लेवल फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट तो हमें क्या करना है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है तो जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एक नया पेज ओपन होकर दिखाई देगा तो इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ऑल स्टेट तो आपको क्या करना है ऑल स्टेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने स्टेट का चुनाव कर लेना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बिहार पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर टिक लगा के तो हम जो है यहाँ पर टिक लगा के ओके okay पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रोसेसिंग चलती हुई दिखाई देगी और इसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है और आपका जो भी ज़िला है आपको वो ज़िला जो है ले लेना है तो यहाँ पर मैंने ज़िले पर क्लिक करके ओके कर दिया है इसके बाद फिर से यहाँ पर प्रोसेसिंग चलती है हमें से चलने देना है इसके बाद हमें फिर नीचे आना है और यहाँ पर हमें लेना है यहाँ पर अपना जो भी हमारा गांव शहर है वो ले लेना है तो हम सिलेक्ट पर क्लिक करके अपना गांव या शहर को सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद फिर ओके करेंगे तो प्रोसेसिंग चलती है फिर हमें यहाँ पर नीचे आना होगा इसके बाद फिर हमें सिलेक्ट पर क्लिक करना है और अपना एरिया जो भी है उसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है जो भी हमारा पंचायत क्षेत्र है इसके बाद दोबारा से हमें ओके पर क्लिक कर देना है तो जैसे कि हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे आ जाना होगा और यहाँ पर आपको फाइनली एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा तो हमें यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर जो है क्लिक कर देना है तो हम जो है इस पर क्लिक कर लेते हैं जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके पास जो है नीचे आपकी डिटेल्स जो है निकल कर आकर दिखाई दे जाएगी तो मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो निकल कर आ चुकी है यहाँ पर आपका जो विलेज है वो आपको विलेज लिखा हुआ दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन नंबर बेनिफिक्री नेम यानी कि जिसको इसका लाभ मिला है उसका आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी इसके बाद आपको यहाँ पर जो है लिखा हुआ दिखाई देगा फ़ादर मदर नेम तो हम जो है यहाँ पर फादर मदर नेम भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ सारी डिटेल अब मैं दिखाता हूँ आपको सारी जानकारी यहाँ पर आपका बिलाज लिखा हुआ दिखाई देगा तो ये आपका बिलाज रहा है यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई देगा तो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जिसको लाभ मिला है उसका जो नाम है वो यहाँ पर मिल जाएगा इसके बाद जो फादर का नेम है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है मदर का नाम जो भी है वो भी आपको यहाँ पर जो है मदर मदर का नाम जो है दिखाई दे जाएगा इसके बाद हम हाँ फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हाउस किसको मिला है मेन या फीमेल जो भी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इसके बाद हम हाँ फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है कितनी अमाउंट जो है इन लोगों को मिलनी है वो यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई दे जाएगी ये आपकी अमाउंट रही इसके बाद कितने लोगों को यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है मिल चुकी है तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट पेड़ लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा तो बहुत से लोगों को यहाँ पर एक एक इंस्टॉलमेंट जो है मिल चुकी है इसके बाद हम आगे आएंगे और कितने लोगों को यहाँ पर पैसा मिल चुका है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कितना अमाउंट जो है यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है तो यहाँ पर बहुत से लोगों को पचास हज़ार रुपये मिल चुके हैं इसके बाद यहाँ पर हाउस जो है इनका बन चुका है तो यहाँ पर जो है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर इनको फर्स्ट जिनको इंस्टॉलमेंट मिल रही है उनका हाउस जो है बहुत ही जल्दी बन जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप पता लगा सकते हैं आपके गांव आपके शहर में कितने लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है पैसा मिल चुका है तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीम जो है ये बहुत ही अच्छी है आम लोगों के लिए जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम का शुभारंभ किया था और यहाँ पर जो है इसके तहत बहुत से लोगों के घर बन चुके हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग